हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले इसी टेक्नोलॉजी के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया जो है 1200 एंड एट द मोमेंट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है इसके लिए एक बहुत ही ऊपर जाने वाला इंडिकेशन ये दे सकता है। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के रेंज को देखें, 850 का लो है 52 एंड हाई जो है वह 1377। बहुत टाइम से ये स्टॉक 1000 and 1100 के रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा था, बट सडनली ये ब्रेकआउट आया। इसके पीछे रीजन है एसेंचर का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, जिस कारण विप्रो में भी हमने 2-3 दिनों से अच्छा खासा बाइंग देखा। एंड फाइनली एसीएल टेक जो कि सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में, विप्रो एसीएल टेक सिमिलर काइंड ऑफ कंपनी है जिनका मार्केट कैप भी सेम है, साथ साथ बढ़ते हैं साथ साथ गिरते भी है। सो डेफिनेटली जब टीसीएस एंड इंफोसिस ऑलरेडी बहुत ऊपर है एंड ओनली द एसीएल टेक एक ऐसी कंपनी जो अपने 52 हाई से बहुत नीचे ट्रेड करता था, इसमें एक अच्छा खासा बाइंग हमने देखा। इसे हम रिबैलेंसिंग भी कह सकते हैं एंड ये स्टॉक आज 4% ऊपर है। ऑल्दो अगर हम मैं बाइंग करने का सजेशन दूं तो टीसीएस, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो के बाद एचसीएल टेक आता है। यानी अगर आपके पोर्टफोलियो में ये सारे स्टॉक है देन एचसीएल टेक को भी कंसिडर कर सकते हैं। नॉट सेइंग दैट इट्स अ बैड कंपनी, बट जो रिटर्न है ये जो है रिटर्न जनरेट करता है ये थोड़ा स्लो जनरेट करता है, बट ओवरऑल कंपनी इज वेरी गुड एंड इट्स अ हेजिंग काइंड स्टॉक एज वेल एंड मार्केट वोलेटाइल है। सो डेफिनेटली लोग आईटी की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं फॉर डिफेंसिव पर्पस। अगर हम इस स्टॉक के प्राइस टर्निंग को देखें 28.46, वी ऑल नो के ड्यू टू ओमिक्रोन वेरिएंट डाउ जोन्स में भी हमने अच्छा खासा गिरावट देखा, बहुत वोलेटाइल है। बट इन दैट केस नैस्डैक उतना वोलेटाइल नहीं है। नैस्डैक यानी अमेरिका का वो मार्केट जहां पे सारे आईटी स्टॉक लिस्टेड है, यानी आईटी इज अ प्लेइंग अ डिफेंसिव बेट। सो इंडियन आईटी कंपनीज में भी हम अच्छा खासा बाइंग देख रहे हैं। तो 28.47 पी इज वेरी गुड। मार्केट कैप 328,380 करोड़। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स यानी आरएसआई एंड एमएफआई। इसका आरएसआई स्कोर है 49.7 एंड एमएफआई में ऑलमोस्ट 62। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड, यानी स्टॉक ना ही ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड। सो किसी भी तरफ का मूवमेंट दे सकता है। अगर रिटर्न की बात करें सो इन दैट केस 1 वीक का रिटर्न नेगेटिव 3.63% है। ऑल्दो आज स्टॉक 4% ऊपर है, इसका लो है 1142 एंड अगर हम 1 मंथ का रेंज देखें तो 7% स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है एंड रेंज है 1090। एज आई सेड ये 1100 के रेंज पे बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। 3 मंथ का लो भी 1090 है। सो 1100 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हालांकि 6 मंथ का लो 960 है, बट आई एम नॉट श्योर दैट वहां तक स्टॉक जाएगा क्योंकि मार्केट का कंडीशन जो है वो वोलेटाइल है। इन दैट केस आईटी सेक्टर्स आर प्लेइंग वेरी गुड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अपकमिंग जो रिजल्ट सीजन आएगा उसमें आईटी कंपनी हम अच्छा खासा रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसेंजर का गाइडेंस तो यही कहता है। सो देयर इज अ रेंज 1100 आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वही 1350-1400। तो वहां तक ये स्टॉक एट दैट मोमेंट शॉर्ट टर्म में जा ही सकता है। सो 1200 जो रेंज है वहाँ उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आपको इसको बाई करना है। लेकिन वही बाई करें जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्टेड होना चाहते हैं। मिनिमम आपका होराइजन 2 साल का होना चाहिए क्योंकि अगर ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में फिर से नीचे गया, एक रेंज पे कंसोलिडेट किया, देन आपका कैपिटल जो है वो ट्रैप हो सकता है। अगर हम इसका 100 day, 50 day, 200 day सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें तो 7070-1090 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेंज जो कि 200 day एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है। सो यही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है। 100 day एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है वो 1150 है। सो एट दैट पॉइंट 1200 के ऊपर है, सो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1150 होगा। जो 100 day एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ अच्छा ब्रेकआउट देगा या मान के चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो 1070 के रेंज को ध्यान पे रखें। अगर किसी टाइम इसके नीचे स्टॉक चला जाता है एंड सस्टेन करता है सो डेफिनेटली आपको एग्जिट लेना है, बट आई एम नॉट श्योर दैट इतना नीचे स्टॉक जाएगा। एंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को 1000 के करीब थोड़ा एवरेजिंग भी कर उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें सो टेक्निकली जो लेवल्स है एट दैट मोमेंट उसमें 1159, 1173, 1186 एंड 1200 आपका स्टॉप लॉस बनता है। सो जो डे ट्रेडर है अकॉर्डिंग टू द रिस्क पोटेंशियल ये सारे स्टॉप लॉस को अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे 1199 तो बहुत क्लोज का स्टॉप लॉस है, बट 1186, 1173 एंड 1159 उनका स्टॉप लॉस हो सकता है। एंड 1150 इज इंपॉर्टेंट रेंज क्योंकि वहाँ पे 100 एक्सपोजर मूविंग एवरेज है एंड सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 1200 है, उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता इसके लिए बहुत बुलिश मैं नहीं हूं। अगर हम स्टॉक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, फंडामेंटली स्टॉक का पीयर्स के साथ कंपेयर करें एसीएल टेक इज द नंबर 4th कंपनी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। टेक महिंद्रा से ये बहुत ऊपर, यानी टेक महिंद्रा से इसका मार्केट का ऑलमोस्ट डबल है, बट विप्रो से थोड़ा नीचे एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज भी वैल्यूएशन वाइज स्टॉक नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। बट आरओसी की बात करें तो विप्रो से इसका आरओसी अच्छा क्योंकि 25.70% इसका आरओसी है। सो ओवरऑल इज अ लार्ज कैप, नथिंग टू से मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी, एवरीवन नो दिस पर्टिकुलर कंपनी वेरी वेल। अगर हम इसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखें 3259 करोड़ है जो लास्ट क्वार्टर में 3205, यानी प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर बढ़े हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बहुत खराब हुए।
अगर हम स्टैंडर्डलोन प्रॉफिट को भी देखें, सो इन दैट केस 2562 करोड़ लास्ट क्वार्टर में 2672 था। सो स्टैंडर्डलोन प्रॉफिट जो है वो थोड़ा घटा है, बहुत ज्यादा डिक्लाइन हम नहीं देखेंगे बट थोड़ा घटा है, जिस कारण मार्केट ने इस पर्टिकुलर स्टॉक को उतना ज्यादा रिवॉर्ड नहीं दिया, यानी कि रेंज पीएस स्टॉक कंसीडर कर रहा था 1100 अगर हम इसका रेंज पकड़ के चले। सो 1377 से ये स्टॉक करेक्ट भी हुआ था, ऑलमोस्ट 300 रुपीज नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। फाइनल स्टॉक में हमने ब्रेकआउट देखा है एंड ये स्टॉक आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1000 इज अ बिग सपोर्ट, देन 1190, 1150 दीज आर द सपोर्ट जिसको आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। सारे स्टॉक बहुत चल चुके हैं, ओनली एसएल टेक उतना नहीं चला। सो अभी एफआईआई या फिर बड़े रिटेल इन्वेस्टर उनका फोकस जो है वो इसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर बना हुआ है। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को सबसे लास्ट में देखें, पुमराज के पास 60% स्टेक है, एनएफआई इज वेरी बुलिश, उनके पास 22% स्टेक है। लुक एट द डीआईआई पोजीशन 12.47, पब्लिक होल्डिंग बहुत कम है 4.88, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर उतना बुलिश नहीं। आई एम नॉट सेइंग द कंपनी खराब है, बट उतना रिटर्न रिटेल इन्वेस्टर को नहीं मिलता जितना कि उनको मिड कैप आईटी कंपनीज या फिर कंपनीज लाइक इंफोसिस, एचसीएल, टीसी, टेक महिंद्रा से मिलता है। सो डेफिनेटली उनके लिए थोड़ा डाउनग्रेडेड स्टॉक है, बट ओवरऑल कंपनी इज वेरी गुड एंड जब सारे स्टॉक चल जाएंगे सो डेफिनेटली लोग एसीएल टेक के पास ही आएंगे, क्योंकि उस टाइम ये स्टॉक कम रिस्की लगने लगेगा। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।